So hello ladies and gentlemen, this is your friend and host Vivek Saini and you're watching Vivo's Auto Vlog. So welcome to another vlog. आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से पार्किंग सेंसर और पार्किंग कैमरा में अंतर है. दोनों ही टेक्नोलॉजी हालांकि ज्यादा कुछ पुरानी नहीं है, कुछ ही टाइम हुए हैं, 10-12 साल के अंदर अंदर ये सारी चीजें हुई हैं. और ये पार्किंग सेंसर्स और ये पार्किंग कैमरास कितना यूजफुल है हमारी गाड़ी को रिवर्स पार्क करने में, पैरेलल पार्क करने में, या फिर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी जैसे फ्रंट में भी हम लोग बहुत बिजी रोड्स पे या फिर ट्रैफिक में चल रहे होते हैं, उस दौरान हमें जरूरत पड़ती है एक कंडक्टर की, तो फिर उस दौरान ये एज अ कंडक्टर बिहेव करते हैं. तो कितने यूजफुल है इसी के बारे में आज जानेंगे और देखते हैं कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है इन दोनों के. चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवूज ऑटो व्लॉग्स. सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहें ऑटोमोबाइल की दुनिया से अपडेट, और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके मेरी वीडियो सबसे पहले. सबसे पहले आपको ब्रीफ कर दूंगी एक रिवर्स पार्किंग कैमरा किस तरीके से काम करता है और क्या है. आपने रिवर्स पार्किंग कैमरा देखे होंगे, चार डॉट्स पीछे के साइड बम्पर में आपने देखे होंगे जनरली, बाकी अब तो फ्रंट में भी आने लगे हैं कि जो ज्यादा लेविश गाड़ियां, ज्यादा प्रीमियम गाड़ियां, उनमें आगे भी आपको देखने को मिल जाता है ताकि वो क्राउड में आपको घुमाने में, टर्न करने में मदद कर सके. एनीवे, पहले पीछे की बात कर लेते हैं. वो जो सेंसर्स होते हैं दोज यूजेस एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स भी हम उन्हें कहते हैं. और ये जो सेंसर होते हैं कंट्रोल यूनिट के थ्रू काम करती है. जब भी वो जो वेव्स होती है वो स्ट्राइक करके किसी भी ऑब्जेक्ट से वापस रिटर्न आती है कंट्रोल यूनिट में सेंसर्स की, तो वो इंटरवल को मेजर करता है कि कितने इंटरवल में वो ये सब हुआ है. उस इंटरवल के थ्रू वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर ये इंटरवल काफी क्लोज है तो फिर वो एकदम से बीप करना स्टार्ट कर देगा, और क्लोज होता जा रहा है गाड़ी, और पीछे होती जा रही है, फिर और आगे होती जा रही है किसी भी ऑब्स्टेकल के, तो वो जो कंट्रोल यूनिट है वो उसकी आवाज और लाउड करता चला जाता है. हालांकि हमने बहुत से केसेस में देखे कि जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की स्क्रीन होती है वो बहुत छोटी सी होती है और उसमें सारा डिजिटली ही आपको सेंटीमीटर्स में या फिर मीटर्स में दिखाई देता रहता है कि इतने मिलीमीटर, इतने मीटर्स बाकी बचे हैं पीछे में स्ट्राइक होने से. तो इस तरीके से एक पार्किंग सेंसर काम करता है. हालांकि ये जो पार्किंग सेंसर है काफी हद तक आपको ये भी बताने की कोशिश करता है कि कितनी पीछे गैप बचा हुआ है स्ट्राइक होने से. तो दूसरे नंबर पे आता है रिवर्स पार्किंग कैमरा. ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सबसे ज्यादा यूजफुल टेक्नोलॉजी है आई वुड से, जिसमें कि आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा एक फिटेड रहता है नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर ही, ज्यादातर आपने देखा होगा, और उसकी स्क्रीन डिस्प्ले होती है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे या फिर एक अलग से भी स्क्रीन आजकल आपको देखने को मिल जाती है अगर आप ऑफ मार्केट लगा रहे हैं तो. और बहुत से केसेस में आपके IRVM में जो यहाँ पर लगा रहता है उसमें भी आपको स्क्रीन देखने को मिल सकती है, उसमें अलग अलग. हालांकि होंडा का तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि होंडा ज्यादातर पार्किंग सेंसर्स नहीं देता है, ह्यूंडई में आपको दोनों ही मिल जाते हैं टॉप एंड्स में. अगर छोटा वेरिएंट खरीदो तो ऑब्वियसली आपको पार्किंग सेंसर्स ही मिलेंगे. और यहीं पर बात होती है पार्किंग कैमरा की, खत्म करते हैं पार्किंग कैमरा के स्लॉट को भी. और काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑब्वियसली, ज्यादा यूजफुल है. आपको एक इमेज मिल जाती है जो आपको सेंसर्स में नहीं मिल रही होती है. इमेज या वीडियो के थ्रू ह्यूमंस का ये बिहेवियर है कि वो कनेक्ट इजिली कर लेते हैं, तो एक इमेज के थ्रू यू नो कनेक्ट करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो जाता है इसके लिए. अब यहां पर क्या चीजें आती हैं कि पार्किंग सेंसर ज्यादा अच्छा सोर्स है सेफ्टी का, स्ट्राइक होने का कहीं लग ना जाए, या फिर एक पार्किंग कैमरा ज्यादा इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं. IIHS यानी कि इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाईवे सेफ्टी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली रिसर्च करती रहती है. इसने एक रिसर्च करी थी कि एक कैमरा ज्यादा अच्छा है ऑप्शन है या फिर एक पार्किंग सेंसर. रिसर्च में ये आया कि एक पार्किंग कैमरा ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन है. पार्किंग कैमरा टर्न आउट टू बी मोर यूजफुल बिकॉज आपको एक वही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक इमेज प्रेजेंट हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि पीछे कितना ज्यादा स्पेस बाकी बची हुई है स्ट्राइक होने से, तो आप अनुमान लगा लेते हो. हालांकि पार्किंग सेंसर्स में यही ऑडियो की थ्रू हो जाती है, ऑडियो के थ्रू कोशिश करता है बताने की, और वो टेक्नोलॉजी अलग है, ये कंप्लीटली एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है. दोनों के कॉन्स के बारे में बात करते हैं. पहले रिवर्स पार्किंग कैमरा के कॉन्स के बारे में बात करें. बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, 30-50 हजार रुपए को आपको एक अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता हुआ नजर आता है. आप ऑफ मार्केट लगाओगे तो आपको 1000 रुपए से भी स्टार्ट हो जाएगा एंड इट कैन गो अप टू 50,000 एज वेल. वही पार्किंग सेंसर्स की बात करूं तो वो भी ज्यादा सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं है, हालांकि 3-4 हजार में आपको स्टार्ट अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है. तो ऑब्वियसली इसीलिए क्योंकि वो थोड़ा बजटेड है पार्किंग सेंसर्स, इसलिए गाड़ी यहाँ ज्यादा पार्किंग सेंसर्स के साथ में आते हैं. उनके लोअर वेरिएंट्स में आपको ज्यादातर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे. इससे अच्छी भी एक टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे. जो पार्किंग सेंसर का कौन है वो सबसे बड़ा कि वो छोटी और फ्लैट चीजों को इंस्पेक्ट ही नहीं करता है. जैसे कि आपके पीछे जस्ट एक छोटा सा पोल खड़ा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसके थ्रू क्रॉस हो जाएंगी और वापस स्ट्राइक करके नहीं आएगी, तो ये चीज थोड़ा सा
पार्किंग सेंसर्स के फेवर में नहीं जाता है, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी चीजों को आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। आपको गाड़ी के नीचे, मान लीजिए बम्पर के जस्ट नीचे, कुछ चीज पहले से ही लगी हुई है और आपने वहां से रिवर्स करना स्ट्राइक किया, रिवर्स करना स्टार्ट किया, तो फिर उस केस में एक कम्प्लीटली अलग सिनेरियो हो सकता है। हो सकता है कि आपके टायर के जस्ट नीचे ऑलरेडी ही एक पॉइंटेड नेल हो, या फिर पॉइंटेड यू नो पोल हो, या फिर कोई सरिया टाइप का ऑब्जेक्ट हो, तो उस केस में फिर आप पार्किंग सेंसर्स के थ्रू यूज नहीं कर सकते हो, ना ही पार्किंग कैमरा उस टाइम में आपको हेल्प करेगा। पार्किंग कैमरा का एक और कौन है कि वो फ्रंट ओवर एक्सीडेंट्स को बहुत, उसके लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है। फ्रंट ओवर एक्सीडेंट्स वो एक्सीडेंट्स होते हैं जिनमें आपने देखा होगा बहुत बार गाड़ी स्क्रॉल करके चली जाती है, उसके ऊपर से क्रॉस हो जाती है, किसी भी बेबी के, किसी बच्चे को आपने देखा होगा, बहुत सारी सीसीटीवी वीडियोज ऐसी आई हैं जिसमें बच्चे के ऊपर से ही गाड़ी क्रॉल होकर चली जाएगी, ड्राइवर को कोई अनुमान ही नहीं है, क्योंकि जो बच्चे का वो स्टेप था या फिर वो एक्शन था वो ब्लाइंड स्पॉटेड था कम्प्लीटली। ड्राइवर के लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था उस एरिया को जज करने में या फिर इस एरिया को जज करने में। उस केस में भी एक पार्किंग सेंसर या फिर एक पार्किंग कैमरा आपको हेल्प नहीं करता हुआ नजर आता है। ऑब्वियसली दोनों का कॉम्बिनेशन एक ज्यादा सुपीरियर ऑप्शन है आपके लिए, हालांकि पार्किंग कैमरा होना इज ज्यादा बेटर ऑप्शन। अगर पार्किंग कैमरा हो जाए तो आपके व्यू बहुत बढ़ जाते हैं। हालांकि जब आप होंडा की गाड़ियों में देखोगे तो पार्किंग कैमरा में व्यूज भी तीन टाइप के होते हैं, फ्रंट व्यू, फिश आई व्यू और एक लास्ट व्यू होता है बॉटम का व्यू, जिसमें काफी हद तक बंपर के नीचे का भी पोर्शन दिखाई दे जाता है। तो इस सेंस में पार्किंग कैमरा एक ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी है। अब जिस टेक्नोलॉजी के मैं बारे में बात, ऑटोमेटेड रिवर्स पार्किंग, ज्यादातर आपने ये टेक्नोलॉजी फोर्ड एंडेवर में नजर आई होगी, आपको उसके 4x4 वेरिएंट में आती है ऑटोमेटिक, बस आपको स्विच करना होता है ऑटोमेटिक पार्किंग मोड पर और गाड़ी अपने आप ही एक डिस्टिंक्ट प्लेस देख के कि भाई यहां पर गाड़ी पार्क हो सकती है आपको सिग्नल देती है, बिकॉज उसके चारों तरफ ही सेंसर्स होते हैं। और उस वे में एक ऑटोमेटिक पार्किंग ज्यादा अच्छी फीचर है, एक ज्यादा प्रीमियम फीचर है। बस इस टेक्नोलॉजी को आने में अभी स्टैंडर्ड कार्स में काफी टाइम लग जाएगा, बिकॉज बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी अभी ये है, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक ऑटोमेटेड रिवर्स पार्किंग ज्यादा बेहतर ऑप्शन आपको नजर आता है। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे डाउट्स आज रिवर पार्किंग कैमरा और रिवर पार्किंग सेंसर्स को लेकर क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई भी अभी थॉट्स बाकी बचते हैं तो यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन दैट कमेंट बॉक्स, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो गाइज, दिस वॉज टूडेज टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आया तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ताकि आप रहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ, और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना ना भूलेगा ताकि आप मेरी डे टू डे लाइफ से जुड़े रहें।